मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप जो भी ऑनलाइन स्टडी के थ्रू जो भी टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ उनको मेरे साथ साथ आप पढ़ रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो मिनरल न्यूट्रिशन है प्लांट्स में वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कितनी क्वान्टिटी में पाए जाते हैं, इनमें से माइनर कितने हैं, मेजर कितने हैं और इनका जो कॉम्बिनेशन है या इनके जो क्वांटिटी है वो कितनी है, कितने टाइप्स हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जितने भी मिनरल एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, इनका प्लांट्स में इनके क्या फंक्शंस हैं, क्या रोल है और इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए, अगर इनकी कमी हो जाए प्लांट्स में तो प्लांट्स के अंदर क्या होगा, कोई डिजीज लग जाएगी या किस तरह के सिम्टम्स हमको दिखाई देंगे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं मैक्रो एलिमेंट्स की। मैक्रो एलिमेंट्स टोटल कितने थे? 9। मैक्रो एलिमेंट्स में सबसे पहले 3 थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये नॉन मिनरल एलिमेंट्स हैं आप जानते हैं, क्योंकि ये हमको किससे मिलते हैं? एयर से मिलते हैं और इनकी जो मात्रा है एयर में, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कभी भी प्लांट्स में इनकी कमी देखने को नहीं मिलती है, डेफिशिएंसी हमको देखने को नहीं मिलती है। और ये जो एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या हैं? स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, यानी कि प्लांट्स के अंदर जितने भी प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनका जो स्ट्रक्चरल है, न्यूक्लियो एसिड है, डीएनए, आरएनए, इनके स्ट्रक्चर में हर एक जितने भी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं इनके स्ट्रक्चर में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो इनका ये मेन फंक्शन है। आज हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले अपन लेंगे एनपीके, इसके नेक्स्ट जो है फर्स्ट 3 मिनरल एलिमेंट्स जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये तीनों ही मिनरल एलिमेंट्स जो हैं वो इनको क्रिटिकल एलिमेंट्स कहते हैं। इनको क्रिटिकल एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं प्लांट्स के लिए और इनकी मेजर क्वांटिटी प्लांट्स को चाहिए होती है। आप लोग फील्ड में, एग्रीकल्चर में यूरिया के फॉर्म में एनपीके को डालते हैं खाद के रूप में, हम इसको यूज लेते हैं, बहुत सालों से लेते आ रहे हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि इनके क्या फंक्शंस हैं, इनके क्या रोल हैं, जब इनको हम डालते हैं, प्लांट्स इनको अब्सॉर्व करते हैं सोयल से और हम भी अगर इनकी कमी हो जाए तो खाद के रूप में, यूरिया के रूप में डालते हैं, तो इनके फंक्शंस क्या हैं प्लांट में और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले अपन लेते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन एक ऐसा मिनरल एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रेटेस्ट फॉर्म में इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो प्लांट्स को चाहिए होती है और ये सॉयल से नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम आयन के फॉर्म में इनको एब्जॉर्व करता है प्लांट्स। ठीक है, जो डायरेक्ट नाइट्रोजन है वो तो अक्रिय रूप में एनवायरनमेंट में होती है, उसको भी पहले नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम फॉर्म में जो है पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू उनको बदला जाता है और जब ये आयन्स की फॉर्म में आ जाते हैं तब सॉइल से इनको एब्जॉर्व करते हैं प्लांट्स, किसको? नाइट्रोजन को। इसके अलावा ये नाइट्रोजन आपको पता है जितने भी न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए हैं, आरएनए हैं, उनके स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स जितनी भी हैं उनमें नाइट्रोजन और इसके अलावा कुछ विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनके स्ट्रक्चर के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे का जो मेन कंपोनेंट्स हैं इनमें कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि ग्रोइंग रीजन्स हैं, जिनको आप हिंदी में शीर्षक विभवज्योतिकी ऊतक कहते हैं, ग्रोइंग रीजन्स जो होते हैं, टिप्पे जो होते हैं जिससे प्लांट्स ग्रोथ करता है, उनमें नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर इस नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी उन रीजन्स में जब नाइट्रोजन होगा तभी प्लांट जो हैं पर्टिकुलरली अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ कर पाएगा। तो ये मेन इसके मेजर फंक्शंस हैं। अब अपन बात करते हैं इसके डेफिशिएंसी की या इसकी कमी से होने वाले रोग या इसकी कमी से दिखाई देने वाले सिम्टम्स प्लांट्स में। जब मैं इसकी डेफिशिएंसी पढ़ाऊंगी तो अपन जब इसको इसकी डेफिशिएंसी, अगर आपको फंक्शंस इसके पता है तो डेफिशिएंसी अपने आप याद हो जाएगी। जैसे सबसे पहले है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस वर्ड जो है नाइट्रोजन के साथ हमेशा स्पेसिफिक है। क्लोरोसिस का हिंदी में मतलब होता है हरिमाहीनता। हरिमाहीनता किसे कहते हैं? जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो डिग्रेड होने लग जाता है अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो। क्लोरोफिल डिग्रेड होने लग जाएगा तो क्या होगा? जो ग्रीनरी है प्लांट का, जो ग्रीन कलर है लीव्स में, स्टेम में, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा। तो क्लोरोस, इसको बोलते हैं क्लोरोसिस। तो पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं, ब्राउन होने लग जाती हैं अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो, क्लोरोसिस के कारण। जो मेनली प्लांट्स में जो क्लोरोसिस के सिम्टम हमको नजर आते हैं वो सबसे पहले जो ओल्डर लीव्स हैं उनमें सबसे पहले दिखाई देते हैं, यानी पुरानी पत्तियों में ये जो सिम्टम है, ब्राउन पत्तियां या इसको येलोइश
लीफ हैं उनमें ओल्डर लीव्स में पहले दिखाई देते हैं और जो न्यूली ग्रीन लीव्स हैं उनमें बाद में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो दो वर्ड स्पेसिफिक हैं, क्लोरोसिस, येलोइश और ब्राउन लीव्स और ओल्डर लीव्स, ठीक है। ये तीन इसके कीवर्ड हैं और पहला पॉइंट है इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। दूसरा, हम मैंने बताया कि इसके मेरिस्टमेटिक टिश्यू में या ग्रोइंग रीजन्स में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं स्टंट ग्रोथ। स्टंट का ग्रोथ मतलब होता है, आपने नॉर्मली अगर आप कभी फील्ड में गए हैं तो आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो हैं वो ऐसे सिकुड़े हुए सी पत्तियां होती हैं उनकी, और जहां जितना प्लांट ग्रो कर गया उसके आगे नहीं बढ़ता है। गमलों में भी अपन ने अगर आपने नोटिस किया है तो प्लांट जितना है उतना ही रह जाता है, वो ग्रो नहीं कर पाता है। इसको बोलते हैं स्टंट ग्रोथ। ये क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी हो गई मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में, इसलिए प्लांट अब ग्रो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दूसरा, जो क्योंकि ये ग्रोइंग रीजन्स में है इसलिए जो शीर्ष टिप पार्ट है उसमें तो ये प्लांट जो ग्रो नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो लेटरल लीव्स हैं यानी टिप्स पे जो है इसकी कमी हो गई, तो ये तो आगे तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन इसकी जो लेटरल बर्ड्स हैं उनमें भी डॉर्मेंसी आ जाएगी, वो भी ग्रोथ नहीं कर पाई है। इसको बोलते हैं डॉर्मेंसी ऑफ लेटरल बर्ड्स। दूसरा, आप मैंने बताया कि इसमें क्लोरोफिल डिग्रेड होने लग जाता है, तो एक एंथोसाइनिन पिगमेंट इसमें डेवलप होने लग जाता है, या एंथोसाइनिन वैसे भी पहले से होता है ये प्लांट्स में लेकिन बहुत कम मात्रा में, तो लीफ जो है वो पर्पल या पिंक कलर की आपको दिखाई देने लग जाती हैं, ठीक है। और जो सीरियस प्लांट्स हैं जैसे कि जितने भी ग्रेन वाले प्लांट्स हैं, फसल ज्वार बाजरा गेहूं मक्का, उनकी जो ग्रेन्स हैं दाने जो हैं वो व्रिंकल होने लग जाते हैं, यानी उनमें सलवटें पड़ी हुई, यानी नॉर्मल ग्रेन्स जो हैं वो आपको देखने को नहीं मिलती हैं। जैसे ये नॉर्मल ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ये व्रिंकल आ जाते हैं इसमें, इसको बोलते हैं व्रिंकलिंग ऑफ सीरियल ग्रेन्स, ठीक है। तो ये इसकी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है या सिम्टम्स हैं जो हमको देखने को मिलती है अगर प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है। तो आप आसानी से इसके फंक्शन आपको याद कर सकते हैं, और आसानी से फंक्शन अगर आपके याद हैं तो आप इनके डेफिशिएंसी के भी सिम्टम्स याद कर सकते हैं। दूसरा, अपन आते हैं फॉस्फोरस के ऊपर, ठीक है। फॉस्फोरस भी प्लांट्स जो है वो सॉइल से ही अब्सॉर्ब करते हैं फॉस्फेट आयन्स की फॉर्म में, H3PO4 HPO42+ आयन्स के रूप में जो है फॉस्फोरस प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। आपको पता है कि ये सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत स्पेसिफिक कंपोनेंट है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने पढ़ा है, मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है तो मैं आपको पढ़ाऊंगी भी सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन, तो फॉस्फोलिपिड का जो मेन कंपोनेंट वो है फॉस्फोरस, ठीक है। तो अगर ये सेल मेम्ब्रेन का जो है मेन कंपोनेंट्स है, कुछ सर्टेन या निश्चित प्रकार के प्रोटीन्स हैं जिनमें फॉस्फोरस से बने हुए होते हैं, और ऑल न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA। आपने DNA और RNA का स्ट्रक्चर अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, तो उसमें आपने फॉस्फोरस जो है वो उनके स्ट्रक्चर का मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। दूसरा, आपने अभी जो अपनी प्रीवियस क्लासेस अभी जस्ट हुई हैं उनमें फास्फोराइलेशन रिएक्शंस हमने काफ़ी सारी पढ़ी हैं। रेस्पिरेशन में फास्फोराइलेशन रिएक्शन पढ़ी है, फोटोसिंथेसिस में फास्फोराइलेशन रिएक्शन पढ़ी है, तो उनका भी एक मेन रोल उन रिएक्शंस में भी फास्फोरस प्ले करता है, क्योंकि उन रिएक्शंस के किसके प्रेजेंस में NADP है ना, न्यूक्लियोटाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट ATP एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, इनमें आपको आप इसमें देख रहे हैं इसमें ये फॉस्फोरस कंपोनेंट मेन है। तो अगर फॉस्फोरस होगा तभी, अगर ये एलिमेंट होगा प्लांट्स में तभी यहाँ पे ये NADP और ATP का निर्माण हो पाएगा और इनसे फास्फोराइलेशन रिएक्शंस हो पाएंगी, ठीक है। तो ये इसके तीन मेन हैं आपके फंक्शंस प्लांट्स में फॉस्फोरस के। अब अपन बात करते हैं डेफिशिएंसी, इसकी कमी से होने वाले रोग है ना, फंक्शन से जुड़े हुए हैं इनकी डेफिशिएंसी की। तो पहला, नेक्रोटिक रीजन्स। नेक्रोटिक का मतलब होता है उत्तक क्षय, मतलब जितने भी टिश्यूज हैं प्लांट के वो डिग्रेड होने लग जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, वो सारे धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाएंगे। इसको बोलते हैं नेक्रोटिक रीजन्स। कहाँ पे? लीफ के अंदर, जिसके कारण क्या होगा कि लीफ में आपको पर्पल और रेड कलर की स्पॉट दिखाई देंगे, किसकी कमी से? फॉस्फोरस की कमी से। तीसरा है, सीड जर्मिनेशन डिले हो जाएगा। अगर आपने प्लांट्स डाले हैं, सीड डाले हैं सॉइल में, और अगर वहाँ पे फास्फोरस की कमी है तो सीड जर्मिनेशन
जिस टाइम पे होना चाहिए उस टाइम पे नहीं होगा, डिले होगा थोड़ा, है ना। और दूसरा है डार्क ग्रीन लीव्स, ये बहुत देखने को मिल जाता है आसानी से। स्पेसिफिक है कि जो प्लांट्स के अंदर अगर फास्फोरस की कमी हो जाए तो डार्क ग्रीन, मतलब नॉर्मल जितना ग्रीन लीव्स होती हैं उससे कहीं ज़्यादा डार्क ग्रीन लीव्स जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं फास्फोरस की कमी से। और प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीफ एंड फ्लावर बड्स, यानी कि फ्लावर और लीफ मैच्योर नहीं होती हैं उससे पहले ही उसकी बर्ड्स गिर जाती हैं, लीव्स गिर जाती हैं। कहने का मतलब है कि प्रॉपरली प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसमें फ्लावर नहीं आ पाते हैं, फ्रूट नहीं बन पाते हैं अगर प्लांट्स में फास्फोरस की कमी हो जाए तो। ठीक है, तो थर्ड आते हैं अपन पोटेशियम के ऊपर। पोटेशियम भी प्लांट जो है वो सॉइल से ही अब्सॉर्ब करते हैं, पोटेशियम के प्लस आयन की फॉर्म में। ठीक है, अपने पोटेशियम आयन जो है ये कहाँ से जुड़ा? पोटेशियम आयन मोस्टली जो है वो परासरण या विसरण की क्रिया में ये जो कैटायन और एनायन है, प्लस और माइनस एनायन है, उनके बैलेंस, उनको बैलेंस करने में पोटेशियम आयन अपना मेन रोल प्ले करता है। जब किसी भी सेल में अगर उसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का ज़्यादा है, अगर बाहर कम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक जगह एक सेल मेम्ब्रेन से कुछ आयन दूसरे सेल मेम्ब्रेन में आते हैं। बैलेंसिंग फॉर्म के लिए जो पोटेशियम आयन है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, यानी हेल्प आयन बैलेंस इन सेल्स। ठीक है, दूसरा आप देखिए कि जो मोस्टली मेरिस्टमेटिक टिश्यू है वही ग्रोइंग रीजन्स जो है, जैसे कि बर्ड्स है, लीव्स है, रूट टिप्स में, वहाँ पे जो पोटेशियम आयन की जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन में हमने पढ़ा था कि किस तरह से पोटेशियम आयन थ्योरी के द्वारा स्टोमेटा ओपन और क्लोज हो रहे थे, जब पोटेशियम आयन और मैलेट आयन का जब एक्सचेंज हो रहा था सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो स्टोमेटा ओपन और क्लोज हो रहे थे क्योंकि आयन बैलेंस के लिए अपना रोल प्ले करता है, सेल की जो टर्जिडिटी है उसको बनाए रखता है। जब सेल टर्जिड हो जाती है और जो स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स है जब वो टर्जिड होती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और नॉर्मल सेल्स में भी ये टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है? स्फीड सेल्स, फूली हुई सेल्स। ठीक है, अब आते हैं इसकी डेफिशिएंसी से। इसकी डेफिशिएंसी से कुछ स्पेसिफिक हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं प्लांट्स में। पहला है स्कोस्ट लीफ टिप। इसका जो स्कोस्ट का मतलब होता है जली हुई पत्तियाँ। आप नोटिस करिएगा कि जो प्लांट्स हैं उनकी जो पत्तियाँ अगर लगी हुई हैं तो उनकी रूट जो लीव्स की जो टिप है, मान लीजिए ये कोई लीफ है, इसकी जो टिप पोर्शन है ये बिल्कुल ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश कलर का, जैसे पत्ती जल गई हो ऐसी दिखाई देती है अपन को, इसको बोलते हैं स्कोस्ट लीफ टिप। सारी पत्तियाँ बिल्कुल जली हुई नजर आती हैं आपको फास्फोटेशियम की कमी से प्लांट्स में। दूसरा है शॉर्टर इंटरनोड। प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि नोड और इंटरनोड आपको पता है ये नोड है और दो नोड के बीच में ये इंटरनोड है। ठीक है, तो इंटरनोड छोटे हो जाएंगे, इंटरनोड छोटे होने के कारण इसकी ग्रोथ जो है प्रॉपरली प्लांट की नहीं हो पाएगी। ठीक है, और क्लोरोसिस इन इंटरवेनुलर एरियाज। क्लोरोसिस का मतलब हरिमाहीनता। हरिमाहीनता यानी इसमें भी क्या होता है कि पर्ण हरी डिग्रेड होने लग जाता है, और इंटरवेनल रीजन्स आप कई बार देखिएगा, अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किए करिया करा है तो प्लीज़ अब जरूर नोटिस किए करिएगा कि इंटरवेनल रीजन्स में क्लोरोसिस हो जाता है। यानी जो वेन्स हैं, ये मेन मीट्रिक दिख रही है आपको और ये लेटरल वेन्स दिख रही हैं, ये तो ग्रीन कलर की है लेकिन जो इनका बीच का पोर्शन है ये आपको येल्लो कलर का नजर आने लगता है। यानी यहाँ यहाँ बीच के पार्ट्स में आप जहाँ क्लोरोसिस होने लग जाता है इसको बोलते हैं इंटरवेनल एरियाज में क्लोरोसिस या हरिमाहीनता होने लग जाती है। सिर्फ वेन्स और लेटरल वेन्स ही ग्रीन होती है, बाकी पत्ती पीली पड़ जाती है। और दूसरा बुशी हैबिट। बुशी हैबिट का वही मतलब है कि अगर कोई प्लांट्स की प्रॉपर या बैलेंसिंग नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होती है, जो प्लांट्स हैं वो झाड़ीनुमा होने लग जाते हैं, लेटरल ग्रो करते हैं लेकिन जो उनकी टिप वाली ग्रोथ है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, इसको बोलते हैं बुशी हैबिट। ये सिम्टम्स या डेफिसिट, ये सारे सिम्टम्स जो है वो पोटेशियम की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने तीन मैक्रो एलिमेंट से होने वाले जो भी फंक्शन है या जो भी रोल प्ले करते हैं प्लांट्स में वो हमने पढ़ा है, और इनकी डेफिशिएंसी से होने वाले रोग, इनकी डेफिशिएंसी से होने वाले सिम्टम्स जो हैं वो हमने याद किए।
ठीक है। आपको इसमें से नाइट्रोजन में क्लोरोसिस जरूर याद कर लेना है, ये आपको टिप पे याद होनी चाहिए, वैसे तो सारे याद होने चाहिए लेकिन जो टिप पे याद होने चाहिए कीवर्ड है वो मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरा इसका कीवर्ड है ओल्डर लीव्स में पहले नजर आता है क्लोरोसिस, ठीक है। और दूसरा पर्पल और पिंक कलर की जो है लीफ हो जाती है इसमें, ठीक है। इसमें आप जो आप याद करिएगा नेक्रोटिक रीजन्स और पर्पल और रेड स्पॉट्स, ठीक है, दिखाई देने लग जाते हैं किसमें, फॉस्फोरस की कमी से, पोटेशियम की कमी से। आप याद करिएगा स्कोर्च्ड लीफ टिप, जली हुई पत्तियों की शीर्षस्थ भाग, ठीक है। और इंटरवेनुलर एरियाज, क्लोरोसिस कहाँ हो रहा है, इंटरवेनुलर एरियाज में हो रहा है, ठीक है। तो आप इन तीनों को अच्छी तरह से याद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो हम पे हमारे मैक्रो एलिमेंट्स हैं सल्फर मैग्नीशियम कैल्शियम उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।